नमस्कार दोस्तों, तन्वी चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन में घूम रहा हूं, जिला चंपावत। आज मैं आपको उत्तराखंड के देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं के जो फेमस जो लोकल फ्रूट्स हैं, जैसे आड़ू, कुमानी, नाशपति और कुछ जंगली दो तीन फ्रूट है जो ऐतिहासिक फ्रूट है, जैसे काफल है, हिसालू है, किलमोड़ी है, उस सब के बारे में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा और अच्छे अच्छे गार्डन घुमाऊंगा फ्रूट के। ठीक है, मैं इस टाइम उत्तराखंड के चंपावत जिले के दूधपोखरा स्टेट में हूँ। ये मेरी बड़ी बहन है, उनका ससुराल है, तो मैं उनके गार्डन में आया हूँ। अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा जो पुलम हम लोग मुंबई में 300 रुपये किलो खरीदते हैं। पुलम है, पीच जिसको कहते हैं, आड़ू, एप्पल, हमारे आगे जो सेब है, एप्पल है जिसको मुंबई में सफरचंद कहते हैं, वो सब दिखाऊंगा मैं। और अभी मैं आपको घुमाता हूँ अपना पुलम के गार्डन में। इसमें आड़ू है, खुमानी है, पुलम है, जो हम लोग कितना महंगा महंगा मुंबई में खरीदते हैं। यहाँ देखो किस तरह पूरी फसल हुई, ऊपर को घुमाओ, उधर देखो बड़े वाले पुलम पे पीछे रह गए ना, ये छोटे नहीं जा रहा हूँ, तो इलायची है पर ये पोलिया हो सर। अभी इधर इलायची है, किधर इलायची? इलायची है सामने, बड़ी इलायची। अंदर तो नहीं जा रहा, चलो कुछ चलो अभी ले जाता हूँ। ये इलायची को खोल दो, ये आड़ू है, इसे आड़ू कहते हैं, पीच इंग्लिश में पीच कहते हैं। और अभी ये कच्चा है, छोटे छोटे हैं ये, अभी हरे कलर के दिख रहे हैं आपको। और पूरे टहनियाँ देखो, पूरी लदी हुई है टहनियाँ और छोटे छोटे हैं अभी। और फिर ये बड़े होंगे, बड़े होने के बाद इनका कलर कुछ चेंज हो जाता है। अभी बहुत से जो जिनका सीजन अभी आ गया, अभी ये बाद में बढ़ेंगे, इससे पहले जो हो चुके हैं उनके मैं कलर दिखाऊंगा आपको। ये रेड कलर या पिंक कलर के या रेड कलर के हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और ये बहुत पौष्टिक होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और मोस्टली हर घर में दो दो चार चार पेड़ तो रहते ही हैं, और जो बिजनेस करता है उसके लिए गार्डन में काफ़ी कुछ लगाते हैं ये लोग। ये बाजार में बहुत अच्छी रेट में बिकता है। आड़ू बहुत पौष्टिक है, पीच जिसको आड़ू पीच कहते हैं, उसका गार्डन। ये जो फ्रूट है इसको खुमानी कहते हैं, इंग्लिश में एप्रिकॉट कहते हैं। ये देखो कैसा फला हुआ है, बहुत महंगा बिकता है। ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड का बहुत नामचीन फ्रूट है। इसमें दो प्रकार के, एक बादाम होता है, इसके अंदर बादाम निकलता है, वो खा सकते हैं इसका, इसके अंदर की गुठली, और एक कड़वा होता है, तो ये बादाम वाला है। अच्छा, ये देखो बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, 70 से भी मीठा है, वास्तव में बहुत मीठा। थैंक यू, मेरी भांजी ने वीडियो बनाया इसको, थैंक यू। ये खुमानी का पेड़ है, ये छोटा पेड़ है और इससे भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मतलब इतने बड़े पेड़ होते हैं कि चढ़ के फ्रूट तोड़ना पड़ता है, नहीं तो बाम्बू से मार मार के गिराना पड़ता है। तो काफ़ी बड़े पेड़ होते हैं और ये बहुत पौष्टिक होता है और बहुत महंगा होता है। और इसमें दो जात होती है, एक बादामी होता है कि उसको तो उसके अंदर की गुठली तोड़ो तो उसमें से बादाम निकलता है। तो ये शहरों में उसके जो हम लोग ड्राई फ्रूट खरीदते हैं, ड्राई फ्रूट में से पिचका के ना, पिचकाने के बाद इसको ड्राई फ्रूट में बेचा जाता है। ये बहुत महंगा है और बहुत ही हेल्दी है। Thank you.
ये मैं इस टाइम उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट चंपावत दूध पोखरा स्टेट, ये पूरा दूध पोखरा स्टेट है। और यहाँ मेरी बड़ी सिस्टर है, उनके गार्डन है। अभी मैंने आपको पुलम दिखाया था और आड़ू दिखाए थे, खुमानी दिखाए थे। ये एप्पल गार्डन है, सब एप्पल लगे हुए हैं, पूरा ऊपर तक एप्पल लगे हुए हैं। और इसके बगल में वहाँ अपना क्या उसका नाम है, कीवी का गार्डन है, वो फिनिशिंग है। उसके पीछे कीवी का गार्डन है, ये एप्पल है, उधर कीवी, और ये पूरा फिनिशिंग की हुई है। वायर लगे, तार लगे हुए हैं, इसमें करंट है। कभी रात को अगर कोई बंदर या जानवर घुसता है नुकसान कराने के लिए तो घुस नहीं पाएगा, तो भारी करंट नहीं है वैसे। और पर्सनल प्रॉपर्टी तो बाहर का आदमी कोई घुस भी नहीं सकता, इसलिए करंट लग रहा है जानवरों के लिए। ये एप्पल गार्डन है, देखो ये एप्पल है, ये एप्पल है जिसको हम लोग बॉम्बे में 300-400 रुपया किलो खरीदते हैं। यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, ऐसे तोड़ के ले खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अखरोट का पेड़ है, ये देखो कितना बड़ा होता है अखरोट का पेड़। ये अखरोट का पेड़ है, इसमें अभी कच्चे अखरोट है, ग्रीन कलर के अखरोट लगे हुए, देखो वो ग्रीन है अभी। ये देखो इधर एक अखरोट दिख रहा है, ये अखरोट लगे हुए हैं, देखो ऊपर भी लगे हुए, बहुत लगे हुए, अभी तो ग्रीन है। धीरे धीरे इसका ये सूखने के बाद ये जो हरा बक्कल है, मोटा सा बक्कल है, निकल जाता है बाहर। अंदर से जो नीचे गिरते हैं या जो हम लोग तोड़ते हैं वो अखरोट होते हैं। वो दो प्रकार, कई वैरायटी है इसमें, कि बदानी भी है, काठी है, बदानी है, दांती है, जो दांत से टूट जाता है, हाथों से यूँ दबाव टूट जाता है। तो अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग उसका रेट है। और सबको तो मालूम है ये जो अखरोट है ये कितना स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है। ये कीवी का पेड़ है, ये कीवी का पेड़ कुछ अंगूर की बेलों की जैसे, अंगूर का पेड़ कैसे होता है, बेल जैसे ऐसी जाती है, उसके लिए वायरिंग तार वार ऐसे बार लगानी पड़ती है, उसके ऊपर जाते हैं। ऐसे ही कीवी का पेड़ है ये, और ये कीवी उत्तराखंड का एक, आजकल उत्तराखंड में बहुत इसकी पैदावार हो रही है, बहुत लोग लगा रहे हैं, किसान लोग काफ़ी कीवी की खेती हो रही है। और कीवी तो हर कोई जानता है कितने स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, कीवी के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। ये पेड़ मुंबई में जो 300-400 रुपये किलो हम लोग खरीदते हैं पेड़, इसको हिंदी में नाशपति कहते हैं। तो एक बार मैं मुंबई में ख़रीद रहा था तो एक यूपी के महाराज थे, तो कहने लगे ये पेड़ है नाशपति नहीं है। तो जिसको हम कहो गढ़ महल कहते हैं, एक अलग सा होता है, वो जंगली फल है ना गढ़ महल, तो वो दिखाऊँगा आपको। तो गढ़ महल बोलता है ये नाशपति है, ये पेड़ है। तो मैंने उसको बोला सर इसको नाशपति कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में पेड़ कहते हैं, तो फिर भी समझ नहीं रहा था। ये तो छोटे हैं, अभी तो छोटे हैं, अभी इसका सीजन आया नहीं, अभी आएगा। अभी जैसे एप्पल के लिए अभी छोटे थे, बड़े बनेंगे। ये पेड़ है, ये बहुत इतना बड़ा होगा, नाशपाती इतनी बड़ी होगी। तो बच्चे हैं हुए हैं, बारिश के बाद ही ये खाने लायक होते हैं, ये भी वो एप्पल भी। और आगे चलता हूँ, आगे बहुत कुछ दिखाऊँगा आपको, आइए। मेरे भाई को डाल दो कैमरा मैन का। अब मैं आपको कुछ जंगली फ्रूट जो है हमारे वहाँ के, बहुत ही ऐतिहासिक, कहते हैं जंगली फ्रूट है लेकिन बहुत ही हेल्दी
और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, उसमें काफल है। कहते हैं कि काफल जो है अगर आप लगाओ घर में तो नहीं लगता, अपने आप जंगल में लगता है, ये अपने आप पैदा होता है। और काफल शहरों में तो बिकने के लिए नहीं जाता, लेकिन पहाड़ में, उत्तराखंड में, गढ़वाल कुमाऊं में, बस स्टॉप में, दुकानों में आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा और खट्टा मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है। ये काफल है, एक्चुअली जंगली फल है और जंगल में अपना पैदा होता है। इसको अगर लगाओ तो सुना मैंने लगता नहीं है, लेकिन जंगल में अपना पैदा होता है। तो काफल है ये, साली जंगली फल में यही फल ऐसा है जो मार्केट में बिकता है, वो भी प्लेन्स में नहीं जाता, मतलब पहाड़ों में, उत्तराखंड के, वहीं ज़्यादा लाइफ नहीं उसकी, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, चेन्नई कहीं नहीं जाता। तो ये बहुत फेमस है काफल, इसके ऊपर लोकगीत बने हुए हैं, तो डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा। अगर गुठली के साथ खा जाओ ना, गुठली के साथ खा जाओ तो पेट पूरा साफ करता है, और मीठा होता है, खट्टा मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है। इसको बोलते हैं काफल, इसके ऊपर बहुत हिस्ट्री बनी हुई है, बहुत लोकगीत बने हुए हैं। ये सीजन का बहुत फेमस पहाड़ी उत्तराखंडी, इसको काफल कहते हैं, बहुत जंगल में पूरे काफल के पेड़ हैं ये, ठीक है। ये हमारे यहाँ हमारे साथ उत्तराखंड के प्रिंसिपल साहिबा हैं, जिनको प्रतिभा पाटिल जी के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और ये देखो, ये भी जंगल से काफल तोड़ के लेके आए हैं। ये काफल में अभी सरसों का तेल डालेंगे और उसमें नमक डालेंगे या हरी मिर्च और धनिए का मसाला डाल के दोपहर में बैठ के लोग खाते, बहुत टेस्टी लगता है। सालू है हमारे यहाँ, इसको हिसालू बोलते हैं, बहुत अच्छा फल है ये। ये ऐसे तोड़ के ये आपको लाखों रुपए किलो में भी नहीं मिलेगा, मार्केट में नहीं मिलता है। ये पेड़ में होता है और इसको इस तरीके से अगर आप जमा कर लेंगे तो जैसे गाजर का हलवा होता है, और बहुत ही पौष्टिक है, बहुत पौष्टिक है। अब आप ये मत सोचिए कि ये गंदा होता होगा, क्योंकि ये इस तरीके से बंद रहता है, इस तरीके से बंद रहता है, और जब ये खिलता है तो ये हट जाता है, तो ये फूल बाहर आता है गूदा, और पहली बारिश में ये पूरा धुल चुका होता है, तो ये बहुत साफ होता है, बहुत पौष्टिक है, बहुत शरीर, इसको बोलते हैं हिसालू। बाजार में नहीं मिलेगा लाखों रुपया खर्चा करने के बाद। आइए उत्तराखंड, हिसालू खाइए। हिसालू की तरह किलमोड़ी में भी कांटे बहुत होते हैं, और किलमोड़ी बहुत ही खट्टा मीठा एक फ्रूट है, जंगली फ्रूट है, और इसको इसको खाने के बाद जैसे हम लोग जामुन खाते हैं ना, हमारी जीभ और होंठ नीले नीले कलर के हो जाते हैं, ऐसे इसको खा के हमारी जीभ और होंठ नीले हो जाते हैं। और ये जामुन की जैसा ही इसका टेस्ट होता है, खट्टा मीठा, कच्चा रहता तो हरा होता है, और जब पकने के बाद नीले कलर का, बैगनी कलर का इसका रंग हो जाता है। ये भी पहाड़ का एक बहुत ही ऐतिहासिक और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद फ्रूट है। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए। फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।